नहीं, अब तो मुझे आना पड़ेगा। अरे क्यों आना पड़ेगा? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, आपने कल बागेश्वर जी को लेट छोड़ा तो हमारी मूवी कैंसिल हो गई, तो मुझे रूठना पड़ा। नुकसान करवा के सूझ रहा है तुझे? और तू कल रूठ गई थी तो आज सामने से क्यों चली आई? वो आज सुबह मैं बागेश्वर जी को गुड मॉर्निंग नहीं बोल पाई ना, तो सोचा कि यहाँ आके प्यार से गुड मॉर्निंग बोल दूंगी। अरे गुड मॉर्निंग तो तू फोन पर भी बोल सकती थी ना? बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलती। क्यों? फोन पे तो पराये बोलते हैं, अपने तो चेहरा देखकर सामने आकर मुस्कुराकर दिल से बोलते गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। गुड मॉर्निंग बावरी जी। आप इतना उदास होकर क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ? ये बागा की वजह से सेठ जी को सुबह सुबह 10,000 का नुकसान हो गया। कैसे? वो दरअसल हुआ यूं बावरी जी के अच्छा, यानी उसने 1 रुपए कम दिया। हाँ, 1 रुपया? हाँ, क्योंकि 14,000 में 1, 4 और 3 0 होते हैं, तो उसने 4 और 3 0 दे दिए ना, सिर्फ 1 ही नहीं दिया। तुझे पक्का इससे शादी करनी है? नहीं नहीं बावरी जी, 1 रुपया नहीं। हाँ हाँ पता है पता है, 10,000। मैं तो मजाक कर रही थी। अरे यहाँ 10,000 का नुकसान हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है? मैं तो जानबूझ के मजाक कर रही थी, आप सबका मूड ठीक करने। बावरी, हम सबका मूड तभी ठीक हो सकता है जो गए हुए 10,000 वापस आ जाए। उसमें क्या बड़ी बात है, वो तो आ जाएंगे। कैसे? सिंपल, बिल पे तो उनका फोन नंबर होगा ना, तो आप उन्हें फोन कर कह दीजिए कि मशीन से गलती हो गई थी, तो बाकी का पेमेंट आके कर दे। बावरी जी, हमने उन्हें 2-2 फोन किए लेकिन दोनों बार हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है, ऐसा बोल के उसने फोन कट कर दिया। चल छोड़ अभी भाई, हो गया 10,000 का नुकसान, चल भाई। आप नेगेटिव मत सोचिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हार कर बैठ जाने वाले कभी खड़े नहीं होते। पर लेकिन बावरी जी, कोशिश तो की ना हमने। वो तो आपने की ना, अभी मैं ट्राई करती हूँ तो वो यूं पैसे दे देंगे। नहीं भाई नहीं, तू रवा दे बापा, तू रवा दे। करने दीजिए ना सेठ जी। अरे हाँ सेठ जी, चांस लेने में क्या जाता है, हमारे 10,000 तो वैसे ही गए है। कर कर बेटा कर। अगर आपको आपके 10,000 मिल गए तो मुझे क्या मिलेगा? ओहो, प्रोफेशनल। तू बता, तुझे कितना टका कमीशन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मुझे और बागेश्वर जी को पी 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 चाहिए। तुम लोगों का तो अक्सर पी 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 होता है ना, ये पी 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 चौथा पी क्या है? हाँ बावरी जी, ये चौथा पी क्या है? चौथा पी परमिशन। पाव भाजी पिक्चर पॉपकॉर्न की परमिशन, तो हो गया ना पी 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 पी। चल अभी ये पी 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 बंद कर और पांचवा पी निकलवा। ये पांचवा पी क्या है? पेमेंट। मुझे वो कस्टमर का नंबर दीजिए। ये लीजिए बावरी जी, ये देखिए, ललित नाम है, और फोन स्पीकर पे रखिए ना प्लीज। स्पीकर, स्पीकर पर रख। हेलो। हेलो, क्या मैं ललित जी से बात कर रही हूँ? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं लवीना बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, कहाँ से हैं? पहले मुझे ये बताइए, आपको मेरी आवाज तो अच्छे से सुनाई दे रही है ना? हाँ बराबर सुनाई दे रही है, एकदम क्लियर सुनाई दे रही है।
हाँ एकदम क्लियर। तो मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से बात कर रही हूँ। हेलो हेलो ओ हेलो, मुझे पता है आपको सब सुनाई दे रहा है, आप नाटक मत कीजिए। सुनिए, अब अभी के अभी आकर 10,000 का पेमेंट क्लियर कर दीजिए, वरना आपका मोबाइल सुनने या बोलने के लायक नहीं रहेगा। कैसे? आपके फोन का IMEI नंबर है हमारे पास, उससे हम आपका फोन लॉक कर देंगे। क्या? हाँ, तो उससे अच्छा ये है कि आप यहाँ आकर अभी के अभी पेमेंट क्लियर कर दीजिए। नहीं नहीं, फोन लॉक मत करिए, मैं अभी आके पेमेंट करता हूँ। भाई साहब यू टर्न ले लीजिए। ब्रावो बावरी जी, ब्रावो। ए हिप्पी, ताली क्या बजा रहा है? EMI की बात तुझे क्यों नहीं सूझी? EMI नहीं सेठ जी, IMEI। हाँ वही, तुझे क्यों नहीं सूझी? वो दरअसल आज सुबह सुबह आपको 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, ये सोच के मेरा दिमाग एकदम हैंग हो गया था। चलो खुशी की बात तो ये है कि बावरी की वजह से हम 10,000 के नुकसान से बच गए। मेरी वजह से नहीं, आप बचे हैं बागेश्वर जी के वजह से। बागा की वजह से? कैसे? मोबाइल में IMEI नंबर होता है, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, वो तो एक बार बागेश्वर जी ने ही मुझे बताया था। बावरी जी, मैंने भले ही बताया हो, लेकिन मेरी बात को याद रख के उसका सही वक्त पे इस्तेमाल तो आपने ही किया ना। You are absolutely right, बागा। ज्ञान तो दुनिया में कई लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन उस प्राप्त किए ज्ञान का सही वक्त पे इस्तेमाल करना चंद लोग जानते हैं। वाह वाह नट्टू काका, वाह। एब्सोल्युटली राइट नट्टू काका। बावरी जी, आपको मानना ही पड़ेगा कि आज 10,000 रुपए का नुकसान होते आपने बचाया है। वैसे 10,000 अभी तक मिले नहीं है, खाली बता रहा हूँ। ले ललित आ गयो। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये मेरा कार्ड लीजिए और पेमेंट ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरा फोन लॉक मत करिएगा। लाइए। ए भाई एक मिनट तू रेवा दे। अरे लेकिन सीट जी, अभी तो पता चल गया ना कि एक नंबर। जी करने दीजिए, मैं उसके पास खड़ा हूं ना। ले बेटा रम, यानी कर बेटा कर। ऐसा भी अच्छी बात नहीं है अगर भारत का हर नागरिक आपकी तरह हेलो आवाज नहीं आ रही है, हेलो आवाज नहीं आ रही है, ऐसा करके चीटिंग करने लगा ना, तो हमारे देश की प्रगति होने के बजाय अधोगति हो जाएगी। इसलिए सोच में और वर्तन में ईमानदारी तो होनी ही चाहिए। हाँ। I'm really very sorry. ये लीजिए। ये लो। Once again, I'm really very sorry. मिल गए ना आपके 10,000? हाँ मिल गए मिल गए। चलिए बागेश्वर जी। ए, 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 बागा को कहाँ लेके जा रही है? पी 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 पी। बावरी जी अभी नहीं। तो कभी? कल कल। पी? हैं? प्रॉमिस? जा पी। ओके बाय। थैंक यू बावरी, थैंक यू। चले नटू काका गोडाउन चले। गोडाउन क्यों? स्विमिंग करने आता है? नहीं सेठ जी, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि अगर कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कर देता हूँ। अच्छा बेटा, जिस काम के लिए हम लोग गोडाउन जा रहे हैं ना, वो काम तुझे और नट्टू काका को कल करना था, लेकिन कल तुम लोगों ने किया नहीं। कौन सा काम? बोलो पूछ रहे कौन सा काम? सेठ जी मुझे भी नहीं पता, आप किस काम की बात कर रहे हैं? नटू काका, कल मैंने आपसे ऑनलाइन कार्ड और कैश पेमेंट की यादी मांगी थी, लेकिन तैयार नहीं थी,
तो आपने फिर कहा था कि आप कल करेंगे, तो वो कल अभी आज आ गया है। तो अभी दिखाया मुझे वो यादी। लेकिन सेठ जी वो यादी तैयार नहीं है। अरे ले क्यों? क्या क्यों? आप सुबह आए तभी देखा ना, कस्टमरों से दुकान भरी हुई थी, यादी तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला। ठीक है चलिए अभी बना दीजिए चलिए। और भाई कल मैंने तुझे और रामशंग कंपनी में टीवी का ऑर्डर देने का भी बोला था, दे दिया ऑर्डर? नहीं सेठ जी। अरे तो कब देगा तू भाई? अभी नटू काका ने बताया ना सुबह से दुकान में कितनी घरागी है। अच्छा ठीक है अभी दे दे। जी जी सेठ जी। आइए नटू काका आइए, बताइए क्या चाहिए? सर टीवी चाहिए। अब बागा जी यार इनको टीवी दिखाना जी। आइए आइए सर, आइए मैडम आइए, इस तरफ आइए आइए आइए। बताइए हमें डेढ़ टन का एसी चाहिए। आइए आइए मैडम आइए आइए आइए। आइए भाई साहब बताइए। भाई साहब मुझे ना 20-25 हजार के रेंज में एक बढ़िया सा फोन दिखाइए। जरूर ये है ये। मेरे हिसाब से अगर आप बोलो तो ये दोनों में से आपको जो पसंद है लेना चाहिए। बाकी ये 21 वाला भी अच्छा है, दोनों ही वैसे। उठा लीजिए उठा लीजिए, लगता है किसी को आपसे अर्जेंट काम है। सॉरी कोई बात नहीं उठा लीजिए। हाँ मेहता साहब क्या हुआ? हुआ यूं कि आज मेरा बॉस एक मीटिंग के लिए कहीं दूर निकल गया, तो वापस ऑफिस आने से रहा, और क्योंकि मेरी इच्छा कुछ चटपटा खाने की हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें फोन करूं और पूछ लूं कि कहीं चटपटा खाने चले। मेहता साहब सॉरी आज का एक दुकान में ग्राहकी बहुत है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। चलो कोई बात नहीं है, फ्री होके फोन करना। ओके ओके। बोलिए भाई साहब कौन सा पसंद किया आपने? मुझे ना ये वाला पसंद है। हाँ बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मॉडल है ये। ठीक है मैं आपको नया पैक पीस देता हूँ। आइए मैं बिल बना देता हूँ। एक मिनट भाई साहब, नटू काका जरा इनका बिल बना के पेमेंट ले लीजिए ना। जी सर। हाँ फिर से आइएगा नटू काका। चलिए सेठ जी मैं क्या कह रहा हूँ, आप दुकान में ही रहिए, मैं यादी तैयार करता हूँ, बाद में आपको बुलाता हूँ। ठीक है। आइए मैडम बताइए क्या चाहिए? चलो यादी तैयार हो गई, अभी मैं बैलेंस पेमेंट की भी यादी तैयार कर लेता हूं। अरे धनराज सेठ का 6 लाख का पेमेंट लेना बाकी है, ये देखकर तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। नटू काका हो गई यादी तैयार? हाँ। अरे ऑनलाइन कार्ड कैश पेमेंट की यादी तैयार हो गई? हाँ हाँ हो गई। अरे तो आपने मुझे बुलाया नहीं है? अरे क्या है कर रहे हैं, कहाँ खोए हुए हैं? नहीं नहीं कहीं नहीं। अरे तो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने की जगह हैं हैं ऐसा क्या कर रहे? सॉरी क्या पूछा आपने? अरे मैंने पूछा यादी तैयार हो गई तो आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं बुलाने ही वाला था, इतने में आप आ गए। अच्छा अच्छा ठीक है लाइए। और वो
किसका किसका पेमेंट लेना बाकी है उसकी याद तैयार है कि बनानी है? अच्छा बहुत हैं कर रहे, क्या हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है आपसे? क्या हुआ है? वो धनराज सेठ का 6 लाख का पेमेंट लेना अभी भी बाकी है। क्या इतना टाइम हो गया अभी तक उनका पेमेंट आया नहीं? नहीं तो फोन करके उनको याद दिलाना चाहिए था ना। याद दिलाया था कब? पिछले महीने। पिछले महीने? हाँ। उसके बाद एक भी बार फोन करके उनको याद नहीं दिलाया? नहीं। क्यों? सच कहूँ तो मेरे दिमाग से निकल गया। अरे ऐसे कैसे दिमाग से निकल गया नटू काका, 6 लाख का पेमेंट है। हाँ सेठ जी, जब से हैवेल्स एंड लॉयड की डीलरशिप मिली है तब से काम बहुत बढ़ गया है। तो पेमेंट लेने का भूल जाने का है? बस खाली माल बेचो, पेमेंट नहीं लेना है हमें किसी से है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सेठ जी। अरे तो कैसी बात है नटू काका? पर चलो माना आपका दिमाग से बात निकल गई, बाघा का दिमाग से भी बात निकल गई? हाँ शायद। अरे तो ऐसे कैसे काम चलेगा नटू काका? आइए चलिए। कहाँ जाना है? अरे दुकान में और कहाँ, आइए। नहीं आप बताइए ना, वो आप तय कीजिए, आप जो बोलेंगे वो फिल्म देखने जाएंगे। फोन रख। बावरी जी है। फोन रख। बावरी जी मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या हुआ सेठ जी, गोडाउन में ऐसा क्या हुआ कि आप आते ही अचानक उखड़े उखड़े हो गए? तेरा और नटू काका का दिमाग क्या जॉइंट है? जो बात नटू काका के दिमाग से निकल गई तेरा दिमाग से भी निकल गई। कौन सी बात? धनराज सेठ के 6 लाख के पेमेंट की बात। 6 लाख का पेमेंट अभी तक आया नहीं है, ये बात तेरे और नटू काका दोनों के दिमाग से निकल कैसे गई? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने उस धनराज सेठ को फोन किया था। किया था? कभी किया था? पिछले महीने ना। उसके बाद क्या तू पनडुब्बी में बैठ के पाताड़ में चला गया था? अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब बिना पनडुब्बी के पाताड़ में चले जाएंगे। सेठ जी पाताल में तो धनराज सेठ खुद चले गए हैं। क्या मतलब? और नहीं तो क्या, मैंने उनको कितने फोन किए, उनकी ऑफिस गया, लेकिन ये धनराज सेठ है कि मिलते ही नहीं। अरे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं भाई? मैं तो इधर ही हूँ ना, मैं थोड़ी पाताड़ में रहता हूँ। जब जब मैंने आपको बताना चाहा तब तब कोई ना कोई काम आ गया, उसमें रह गया। नहीं नहीं बताना रह नहीं गया, बताना भूल गया, ऐसा बोल। हाँ भूल गया भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं बोल नहीं सकते, तू भूल ही गया। सेठ जी ये तो पता चल गया है कि बाघा भी भूल गया और मैं भी भूल गया, अब करना क्या है? अरे करना क्या है का क्या मतलब है नट्टू काका, 6 लाख का पेमेंट और धनराज सेठ से लाना है और क्या? नहीं लेकिन सेठ जी पेमेंट कैसे लाएं, वो मिलते ही नहीं है। सेठ जी एक काम करो, आप मनोज भाई को फोन करो ना। कौन मनोज भाई? जिसकी पहचान से धनराज भाई हमारी जिंदगी में आए। सेठ जी आप उस मनोज भाई को फोन करके बात तो कीजिए कि ये धनराज सेठ ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या हुआ सेठ जी, वो धनराज सेठ की तरह मनोज भाई भी फोन नहीं उठा रहे हैं? अरे नहीं नहीं मैंने वो धनराज सेठ को ही फोन किया था। अभी मनोज भाई को कर रहे हैं? हाँ हाँ। सेठ जी फोन स्पीकर पे रखिए ना। ठीक है ओके। हाँ जेठा भाई बोलिए। हाँ मनोज भाई, आपको याद है आपने मेरी पहचान को धनराज सेठ से करवाई थी? अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं, वो तो रोज मेरे सपने में आता है। क्यों? क्यों? आपको क्या बोलूं जेठा भाई, उससे मेरे पैसे लेने बाकी हैं। क्या? क्या? तू बात कर, तू बात कर। और सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरे जैसे कई लोग हैं जिनके धनराज के पास पैसे फंसे हुए हैं।
क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसने तो प्लम्बर तक को नहीं छोड़ा है। कल मेरे घर में प्लम्बर आया था, वो बोल रहा था कि धनराज के ऑफिस में उसने प्लम्बिंग का काम किया, उसके पैसे अभी तक नहीं दिए उसने, और मेरा तो वो फोन भी नहीं उठाता है, और किसी को उसके ऑफिस में भेजो तो बोलते हैं कि वो ऑफिस में ही नहीं है। हमारे साथ सेम हुआ है। तो मनोज भाई अभी इसका क्या करें? मैं तो रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पैसे जल्द से जल्द मिल जाएं। वैसे आपका कितना पेमेंट बाकी है? 75,000 बस। क्यों, आपका कितना बाकी है? अरे 6,00,000। अरे जेठा भाई, आपने तो कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया उस पे। ये पहचान आपने करवाई मनोज भाई, तो फिर मैंने दे दिया उसको 6,00,000 का माल। ऐसा मत बोलिए जेठा भाई, मैंने तो सिर्फ पहचान करवाई थी, पेमेंट बाकी रख के माल देने को थोड़ी ना बोला था। तो अभी मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। आप एक काम कीजिए जेठा भाई, आप अपना आदमी उसके ऑफिस में भेजिए। अरे भाई, वो मिलता कहाँ है ऑफिस में? मुझे कहीं से खबर मिली है कि आज वो अपने ऑफिस में ही है, पर मैंने भी अपना आदमी भेजा है वहाँ पर। अच्छा, ठीक है ठीक है, थैंक यू ओके। भगा, समझ गया सेठ जी। सुन जी, कुछ खबरी मिलते ही फोन करना। जी नड्डू काका, भगवान करे आज पेमेंट मिल जाए। आइए 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 भाई साहब, बोलिए। हमें एक अच्छा फ्रिज चाहिए। हाँ नटू काका, आइए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, 6,00,000 के पेमेंट की बात नटू काका और बागा दोनों के दिमाग से कैसे निकल गई? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, दोनों अपने अपने काम में हमेशा चौकस रहे हैं, फिर इस पर ऐसा कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं वक्त के दिमाग ने इन दोनों को थोड़ा सा आलसी बना दिया है? कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसा तो ये लोग धीरे धीरे सुस्त हो जाएंगे और उसका असर धंधे पे बहुत बुरा पड़ेगा। क्या करूं, मैं तो सबकी सलाह लेता हूं। हाँ जेठालाल, बोलो। हो गए फ्री? हाँ हो गया, आ जाइए। अरे आज तुम्हारे दुकान पर नहीं, कहीं और चलते ना कुछ चटपटा खाने। मैं तो सब दुकान छोड़ के मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाऊंगा। तो तुम्हारे दुकान से दूर नहीं, तुम्हारे दुकान के आसपास ही कहीं चलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, दुकान के सामने वो है ना जग्गू चाय वाला, वो आजकल चाय के साथ साथ बढ़िया समोसे भी बेचता है। अच्छा हाँ, चलो ठीक है, अभी आया। आइए आइए आइए। आइए। इसने समोसा बेचना कब से शुरू कर दिया? पर अभी थोड़ा टाइम हुआ। हाँ भाई जग्गू, 2 रजवाड़ी मसाला चाय और 1 प्लेट समोसा देना। अभी देता हूँ, तुम नहीं खाओगे? नहीं, इच्छा नहीं है आज। जेठालाल, अगर मुझे अकेले ही समोसा खाना होता तो मैं ऑफिस में खा लेता। मेहता साहब आप खाइए ना, आज सच में मेरा मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अभी होने को तो आपको तो पता है मेरी कुंडली कैसी है, रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज क्या हुआ? ये लीजिए आपकी चाय। समोसा और ये 1 प्लेट समोसा। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया समोसा है। अरे बताओ जेठा, क्या हुआ? वो एक मेरे व्यापारी दोस्त है मनोज भाई करके, तो उन्होंने, उनके एक दोस्त है दूसरे व्यापारी और धनराज सेठ, तो उनकी पहचान मुझसे करवाई। अब ये धनराज सेठ को कुछ माल चाहिए था, तो मैंने 6,00,000 का माल उनको दिया। अब ये 6,00,000 का पेमेंट मेरा अटक गया है। पेमेंट कैसे अटक गया? यार नटू काका और बाका पेमेंट मंगवाना ही भूल गए। भूल गए? हाँ, मतलब व्यापारी को हम 1 महीने की क्रेडिट तो देते हैं, उसके बाद 1 और महीना हो गया, ये लोग ने पेमेंट मंगवाया ही नहीं। चलो ठीक है ना, अब याद आ गया है तो पेमेंट मंगवा लो। हाँ लेकिन अभी वो धनराज सेठ संपर्क क्षेत्र से बाहर हो गए हैं। क्या मतलब? फोन करो तो फोन उठाता नहीं है, ऑफिस जाओ तो मिलता नहीं है। तो नटू का कर भागा अगर भूले नहीं होते ना, तो अब तक तो पेमेंट आ गया होता। से कैसे भूल गए? अरे ये छोड़ो, आज बाघा ने एक और गलती कर दी। क्या?
हुआ यूं कि हो क्या गया दोनों को? वो कह रहे थे कि दुकान का काम बढ़ गया है, उसकी वजह से उनके ऊपर भी काम का बोझ बढ़ गया है, तो दिमाग से ये बात निकल गई। जेठालाल, अचानक काम का लोड बढ़ गया है तो ऐसी गलतियां होती है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं, मैं उनका दोष नहीं निकाल रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसका कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बार बार अगर ऐसा होता रहा तो मुझे दुकान बंद करके गाँव चले जाना पड़ेगा। जेठालाल, एक काम करो, तुम दुकान में एक मैनेजर रख लो। मैनेजर? उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि नट्टू काका और बागा पे जो काम का बोझ है वो कम हो जाएगा। मेनली पेमेंट रिलेटेड सारी जिम्मेदारी उस मैनेजर को दे दे, जिससे ये सारी गलती होने की नौबत ही नहीं है। नहीं नहीं, मैनेजर? जेठालाल, जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तब हमारे ऑफिस में स्टाफ बहुत कम था, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया स्टाफ भी बढ़ता गया। अब तुम्हारे दुकान में नट्टू काका और बागा ही सारा काम करते रहेंगे तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी। अच्छा ऑप्शन ये है कि तुम दुकान में एक मैनेजर रख लो। सोच लो, मेरे हिसाब से तुम्हें दुकान में एक मैनेजर रख लेना चाहिए। चलो मैं चलता हूँ, अंजलि को उसके कजिन के घर से पिकअप करते हुए घर जाना है। ओके। ऑटो। जगो, हम जो बात कर रहे थे वो नटू काका बाका को बताना मत। कौन सी बात? क्या बात? अरे तो ठंडी हो गई भाई, काम कर, एक दूसरी चाय बना देना। थैंक यू। बाका आ गया तू? हाँ नटू काका, सेठ जी कहाँ है? वो मेहता साहब आए थे ना, उनके साथ जग्गू की टपरी पे चाय पीने गए हैं। लो आ गए। अरे बागा आ गया तू? हाँ। क्या हुआ, मिला पेमेंट? नहीं, कहाँ से मिलता, वो धनराज सेठ ऑफिस में थे ही नहीं। अरे पर मनोज भाई ने बोला ना कि आज ऑफिस में है। हाँ, मुझे लगता है उनको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। ओ, तो अभी मुझसे क्या पूछ रहे हैं? सेठ जी से पूछ रहा हूँ। सेठ जी तो अभी अभी क्या गए, डूब गए 6 लाख रुपए। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं रोज उनकी ऑफिस जाऊंगा और जब तक वो धनराज सेठ नहीं आएंगे तब तक वहीं बैठा रहूंगा। तो रोज उसकी ऑफिस जाकर बैठेगा तो यहाँ दुकान में नटू काका अकेले? नहीं नहीं, मगन है ना। तो सब माल की डिलीवरी करने कौन, मैं जाऊं? नहीं नहीं। तो फिर नहीं है ना इसका कोई जवाब? लेकिन मेरे पास अभी इसका जवाब है। क्या? अभी दुकान का काम बढ़ गया है तो तुम लोगों के ऊपर भी काम का बोझ काफी बढ़ गया है। हाँ, काम का बोझ तो बढ़ गया है, नहीं भागा? हाँ हाँ, बहुत बहुत बढ़ गया है। इसीलिए अभी मेहता साहब मिले ना तो उन्होंने एक अच्छा आइडिया दिया। तो मेहता साहब ने हमारी पगार बढ़ाने का आइडिया दिया है? पगार बढ़ाने का आइडिया नहीं दिया, तो आदमी बढ़ाने का आइडिया दिया। मतलब? मतलब सोच रहा हूँ दुकान में एक मैनेजर रखन 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 में एक मैनेजर। हाँ, लेकिन मैनेजर की क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है, हम है ना। अरे भाई तुम लोग हो, लेकिन कस्टमरों को संभालने में बाकी सब काम रह जाता है ना। कौन सा काम? सबसे जरूरी, सबसे अगत्य का काम, पेमेंट मंगवाने का काम। अब ये 6 लाख का पेमेंट मंगवाना रह गया ना। अरे लेकिन सेठ जी, वो तो पहली बार ऐसा हुआ ना। बराबर है, लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि तुम लोगों के ऊपर काम का बोझ बढ़ गया है, इसलिए ये बात तुम दोनों के दिमाग से निकल गई। ऐसा तो तुम लोगों ने ही मुझे बताया ना। बराबर ना, तो दोबारा ऐसा ना हो इसलिए सोच रहा हूँ कि एक मैनेजर टाइप का आदमी रख लूं। तो क्या है कि ये अकाउंट्स की जो भी मगजमारी है ना वो सब वो ही देखे, ऑनलाइन कार्ड कैश पेमेंट की यादी रोजे रोजे बनाएगा,
फिर किसको पेमेंट देना है, किससे पेमेंट लेना है, पेमेंट को लेके जो भी काम है वो सब उसके जिम्मेदार। आप दोनों खाली बस कस्टमर को माल बेचो और बेचे हुए माल की डिलीवरी करवाओ, बस यही काम आप दोनों करो, एकदम बोझ मुक्त। तो मैं भी देखता हूँ, आप दोनों भी जरा देखना, कोई जान पहचान में अच्छा मैनेजर टाइप का आदमी मिले तो बताना मुझे। हा? जो सोच रहे हैं वो कह दीजिए। हाँ? जो सोच रहे हैं वो कह दीजिए। मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे लिए कविता है ना, है ना, है ना? नहीं, मैं जेठालाल के लिए कविता सोच रहा हूँ। जेठा भाई के लिए कविता सोच रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मैं ये सोच रहा था कि जेठालाल को जो आइडिया मैंने दिया है वो सही है या गलत। कैसा आइडिया? दरअसल क्या है ना कि जेठालाल के दुकान पे काम का लोड बहुत बढ़ गया और नट्टू काका और बागा काम का लोड संभाल नहीं पा, तो मैंने जेठालाल को आइडिया दिया कि वो अपने दुकान पे मैनेजर रख ले। तुम्हें क्या लगता है, ये आइडिया अच्छा है या नहीं? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन 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 क्या? नट्टू काका और बागा भाई इस बारे में क्या सोचेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है ना। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था। सोचिए अगर आपका बॉस अचानक से आपके ऊपर कोई मैनेजर रख दे तो आपको कैसे लगेगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी बॉस से मुलाकात ही नहीं होगी और मुझे बॉस को कोई जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। आप भी ना, चलिए कहाँ एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलो रहने दीजिए, आपको सोडा शॉप जाना है ना। तारक मैं जानती हूँ, जब दिन भर की थकान के बाद आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, तो आपकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। थैंक यू अंजलि, आई लव यू। लव यू टू। यारो ये बात तो एकदम सच्ची है कि यारों के साथ शाम को सोडा पीने से दिन भर की थकावट जो है ना ऐसे चुटकी बजाते ही फुर्र हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। सही बात है, इस सोडा ने हर गम को तोड़ा है, हर दोस्त को मीठे नमकीन रिश्तों से जोड़ा है। वाह वाह आदि भाई क्या बात है, वाह। थैंक यू। वाह वाह आदि भाई क्या काव्यात्मक बात कही है। वैसे हमारी जिंदगी और सोडा बिल्कुल एक समान, सोडा खुलती है तो बबल्स निकलते हैं। ठीक वैसे ही जब हम सोडा पीने के लिए मिलते हैं तो हमारे टेंशन के बबल्स निकलते हैं। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने, दिन भर काम का टेंशन, फिर महंगाई का टेंशन, फिर परिवार का टेंशन, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों से बात करने के बाद सारा टेंशन फुर्र हो जाता है। ऑफिस में इतना काम होता है कि दिन बहुत लंबा लगता है, और जैसे यहाँ पर आकर मिलते हैं ना तो टाइम एकदम फास्ट चलने लगता है। वो इसलिए अय्यर क्योंकि जो अच्छा वक्त होता है वो तुरंत निकल जाता है। लेकिन मेहता साहब जेठा के लिए ऐसा नहीं है, उसके लिए हर वक्त अच्छा वक्त ही होता है। देखिए ना, खुद दुकान का मालिक है तो काम का कोई टेंशन ही नहीं है, अपनी मर्जी से आओ अपनी मर्जी से जाओ, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं कि ओए लेट क्यों आए। तू भी तो अपनी मर्जी का मालिक है भाई, तुझे भी तो कोई रोकने वाला टोकने वाला है नहीं है? तूने तेरा ट्यूशन क्लास लेट चालू किया तो कोई बच्चा तुझे थोड़ी बोलने वाला है लेट चालू क्यों किया। जेठालाल कोई बच्चा ऐसा बोल ही नहीं सकता। सबको डरा के रखा है ना। काई या काई, अरे मैं लेट ट्यूशन चालू कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि अगर मैं ही बेशिस्त रहूंगा तो बच्चों को शिस्त कौन सिखाएगा। सही बात है ना, शिस्त तो मुझे भी रखनी पड़ती है भाई, मैं अपनी मर्जी से दुकान खोल बंद नहीं कर सकता हूँ, रोज एक टाइम पे दुकान खोलनी पड़ती है। तुम दुकान खोलते हो? है नहीं खोलता हूँ, नटू काका या बागा खोलते, लेकिन मुझे ध्यान तो रखना पड़ता है कि दुकान बराबर टाइम पे खुली कि नहीं। और भाई धंधे में 50 टाइप का टेंशन होते हैं, माल बिके या ना बिके महीने का फिक्स जो खर्चा है वो तो होता ही है। जेठा भाई बिल्कुल सही कहा आपने, और नेताजी ओए पिड़ू, और दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा ही दिखता है। हाँ जेठा ब्रा,
तो तुसी आज भी लेट है। हाँ सोड़ी, आजकल जरा दुकान में काम ज्यादा रहता है तो दुकान बढ़ाने में लेट हो जाता है। तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है भाई। क्या? ज्यादा पैसा कमाने की लालच छोड़ दो, दुकान जल्दी बढ़ा लिया करो। क्या पोपटलाल, तुम ऐसी वैसी सलाह दे रहे हो? तो जेठालाल का दुकान में काम बढ़ा है, ये तो अच्छी बात है। सही बात है जेठाप्रा, काम बढ़ा है तो अब दुकान से आने में रोज लेट होगा। नहीं नहीं, रोज लेट ना, उसके लिए मेहता साहब ने एक अच्छा आइडिया दिया है। अच्छा, क्या 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 दिया? क्या? यही कि मैं एक मैनेजर रख लूं। मैनेजर? जेठालाल विचार तो अच्छा है, लेकिन वाकई में मैनेजर रखने की जरूरत है? हाँ पोपटलाल, अभी दुकान में काम इतना बढ़ गया है कि नट्टू काका और भागा पहुँच नहीं पा रहे। पहुँच नहीं पा रहे मतलब वो लोग कहीं दूर रहने चले गए क्या? नहीं नहीं अय्यर, पहुँच नहीं पा रहे मतलब काम में पहुँच नहीं पा रहे। असर क्या है कि उसकी वजह से वो लोग अगत्य के काम भूल रहे। तो फिर अगत्य को गुस्सा आया होगा। अरे अगत्य किसी का नाम नहीं, अगत्य मतलब जरूरी काम भूल रहे वो। असर अगत्य किसी का नाम होता है क्या यार भाई? नहीं जनरल, वो अगत्य और अगत्य में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो फिर वो तुम क्या बोल रहे थे, वो अगत्य का काम भूल रहे? हाँ तो भिड़े, मैं ये कह रहा था कि वो अगत्य का काम भूल रहे मतलब एक बड़ा पेमेंट मंगाने का था, वो मंगाना भूल गए। ऐसे कैसे भूल गए? अरे क्या हुआ, इसीलिए अभी मैंने तय किया है कि भाई दुकान में एक मैनेजर की जरूरत तो है ही। चिट्ठा परा, वो मैं तो कहना छेती रख लो, उसका एक फायदा जरूर होगा कि नट्टू काका और बागा और अच्छे से काम करने लगेंगे। सही बात है। नहीं नहीं, नट्टू काका और बागा काम तो अच्छे से ही करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, वो ठीक है जेठालाल, लेकिन कर्मचारी जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे वो आलसी भी होता जाता है। नहीं नहीं मेहता साहब, नट्टू काका और भागा आलसी तो बिल्कुल नहीं है। तुम समझे नहीं जेठालाल, मैं अपने ऑफिस का उदाहरण देता हूँ। मेरा बॉस हर 6 महीने में एक नए कर्मचारी को काम पे रखता है ताकि सब लोग इनसिक्योर रहे, और हर 6 महीने में किसी न किसी को काम से निकाल देता ताकि सब लोगों के बीच में डर बना रहे और सब लोग अपना काम अच्छे से करें। तेरी? आ, मैं दादा एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। हाँ? ओ भाई ये तो 16 आने सही गल है। ओए बरसों पहले मैंने कल्ले गराज खोलिया थी, आज मेरे पास 5-5 मैकेनिक है। तो भाई काम बढ़ता है तो स्टाफ बढ़ता है, और स्टाफ बढ़ता है तो काम और बढ़ता है। वाह वाह खड़ी भाई, तो जेठालाल का काम बढ़ा है, स्टाफ भी बढ़ना ही चाहिए। बराबर है जेठालाल, तुम स्टाफ बढ़ाओ, टेंशन कम हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जेठा भाई, आपको स्टाफ बढ़ाना चाहिए। बोले हाँ जेठालाल, जैसे शादी के बाद फैमिली बढ़ती है वैसे तुम्हें भी अपनी फैमिली बढ़ानी चाहिए। क्या मतलब? तो मेरा मतलब है कि नट्टू काका और बागा बरसों से तुम्हारी दुकान में काम कर रहे हैं, अब तुम्हें अपनी दुकान की फैमिली बढ़ानी चाहिए। ओहो लो यारो, तो पप्पू ने इसमें भी शादी का उदाहरण दिया। कमाल है पोपटलाल, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई पर तुम फैमिली बढ़ाने की बात कर रहे हो। हाँ अरे शादी नहीं हुई है तो क्या हुआ, प्लानिंग तो मैंने कब से कर रखी है, और ये सब भी प्लानिंग का ही हिस्सा हुआ ना। इन शॉर्ट जेठालाल, तुम्हें मैनेजर रखना चाहिए। नहीं नहीं बराबर है, रखो रखो मैनेजर। इसी बात पर 16 पीजिए दीजिए 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 दीजिए, पास करो जी पास करो। आदि भाई एक मिनट, आपके लिए वो मसाला ज्यादा है ना। थैंक यू अब्दुल। चलो आदि भाई। अरे आ गया जेठे, 16 पीजिए। जी बाबूजी, चल मैं सोने जाता हूँ। बाबू जी एक दो मिनट। क्या हुआ? कुछ बात करनी है। किस बारे में? बैठिए ना जेठिया, दुकान में सब ठीक है ना? हाँ अरे दुकान में तो कुछ ज्यादा ही ठीक है बापू जी। तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है तो बात क्या करनी है? मैं सोच रहा हूँ बापू जी दुकान में एक मैनेजर रख लूँ। क्या? तो
सोच रहा हूँ दुकान में एक मैनेजर। अरे वो सुना मैंने भाई, वो सुना क्या मतलब? अचानक तुझे मैनेजर रखने की क्या जरूरत पड़ गई? नटू बगर तो है ना? नहीं नहीं, वो दोनों तो है ही। तो फिर तू मैनेजर रखेगा तो उन दोनों को कैसा लगेगा, इस बारे में सोचा है? मतलब एक बेटा, जब हम नए व्यक्ति को काम पे रखते हैं ना तो पुराने लोगों को बुरा लग सकता है। बुरा? हाँ, पुराने लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सेठ नए व्यक्ति को काम पे रख रहे हैं। और ऊपर से तू तो मैनेजर रखने की बात कर रहा है। मैनेजर मतलब नटू और बागा के ऊपर एक और सेठ। अभी तेरे साथ साथ नटू और बागा को उसे भी जवाब देना पड़ेगा। तो बापूजी, मैं ये मैनेजर उनके भले के लिए रख रहा हूँ। भले के लिए? हाँ। क्या है, पिछले कुछ समय से दुकान में काम बढ़ गया है बापूजी, तो उसकी वजह से क्या उन दोनों के ऊपर काम का लोड बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा नहीं ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि नटू और बागा को बुरा ना लगे। वो बापूजी, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, ये मैनेजर के आने से उनके ऊपर जो काम का लोड है वो तो उल्टा कम हो जाएगा, तब मेरे हिसाब से तो वो दोनों बहुत खुश होंगे। बागा भाई, बस हमें यही दिन देखना बाकी रह गया था। नटू काका, अभी दिन नहीं रात है। अरे आज जो दुकान में हुआ ना उसकी बात कर रहा हूँ। अब नया मैनेजर आएगा, हमारी दुकान में अब हम पर हुकूमत चलाएगा। बराबर है नट्टू काका, हमसे एक गलती क्या हो गई, सेठ जी ने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। बागेश्वर जी, नट्टू काका। भाभी जी, क्या हुआ, आप लोग आसमान में क्या देख रहे हो? बागेश्वर जी, आज हम बाहर मिलने वाले थे, आप आए ही नहीं। बावरी जी, मैं आपसे मिलने नहीं आया क्योंकि मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। बागा, हम। हाँ, सॉरी, हम। अच्छा, क्या टेंशन है आप दोनों को, मेरे साथ भी शेयर करो ना, मैं भी आपका टेंशन दूर करने का कोई रास्ता सोचती हूँ। नहीं बावरी जी, आप रहने दीजिए, ये बहुत बड़े टेंशन वाली बात है। तो मुझे भी दीजिए ना थोड़ा टेंशन। हमने वादा किया था ना कि हमारी खुशी और गम एक दूसरे से बांटते रहेंगे। नटू काका, Never hide anything from your partner. हाँ। बता दे बागा। जी। हाँ, हाँ दीजिए। आइए। भावरी जी, क्या कर रही हैं आप? सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अभी बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती। सॉरी सॉरी। वैसे आप दोनों को क्या टेंशन है, बताइए ना। बावरी जी, आज सेठ जी ने फैसला किया है कि वो हमारे ऊपर एक मैनेजर रखेंगे। अरे ये तो अच्छी बात है ना। कैसे? फिर तो आपको ज्यादा छुट्टी मिल सकती है। अरे क्या ज्यादा छुट्टी मिल सकती है, मैनेजर के चक्कर में मेरी और नटू काका की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो गई तो? ऐसे कैसे? बावरी बेटा, बागा की बात सही है, कोई भी नया आने वाला एम्प्लॉई अपना काम अच्छा दिखाने के लिए पुराने एम्प्लॉई का काम नीचा दिखा सकता है। बराबर है, और नए एम्प्लॉई के आने से दुकान में कंपटीशन भी बढ़ जाएगी, और अगर उस मैनेजर ने सेठ जी का दिल जीत लिया तो सेठ जी के सामने मेरी और नटू काका की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। हाँ। नहीं बागेश्वर जी, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे नहीं, मेरा मतलब था कि आप अमूल्य है, तो आपको इनसिक्योर होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बावरी जी, आप बहुत भोले हो, समझ ही नहीं रहे हो, सेठ जी हमारे ऊपर एक मैनेजर रख रहे हैं, मैनेजर जो हमेशा मुझ पे और नटू काका पे नजरें बनाए रखेगा। आज तक हम सेठ जी से सीधा बात करते थे और वो हमें ऑर्डर देते थे, अब नया मैनेजर आके हमें ऑर्डर देगा? बोलो। हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को इतने साल दिए ये दिन देखने के लिए। लेकिन फेटालाल जी को अचानक ये विचार क्यों आया? बावरी जी, आप तो जानते ही हो, पिछले कुछ दिनों से दुकान में काम बहुत बढ़ गया है,
घड़ी भर की फुर्सत नहीं मिल रही और उसी चक्कर में धनराज सेठ नाम की एक पार्टी से 6 लाख रुपए का पेमेंट लेना हम भूल गए और उसी की वजह से ये सारी परिस्थिति खड़ी हुई है। अच्छा ये प्रॉब्लम हुई है। पर आप इतना टेंशन क्यों लेते हो? जिसका पेमेंट बाकी है उसे लेकर आइए और फिर मन लगाकर काम कीजिए, फिर सेठ जी खुश भी हो जाएंगे और वो किसी नए मैनेजर को भी नहीं लाएंगे। बावरी बेटा, हम काम से नहीं डरते, काम तो हम दुगना कर सकते हैं, लेकिन ये धनराज से पेमेंट निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ बावरी जी, और ये धनराज सेठ है कि पेमेंट दे ही नहीं रहे हैं। उन्हें कितने फोन किए लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं। हाँ। कितनी बार उनकी ऑफिस गए तो ऑफिस में भी मिलते नहीं है। और इसी वजह से सेठ जी कल से नया मैनेजर ढूंढने में लग जाएंगे। हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम भुट्टा खाने जाते हैं। बावरी जी ये कैसा आइडिया है? इतने टेंशन में आपको भुट्टा खाना है? आपका टेंशन कम करने के लिए भुट्टा खाना है। लेकिन भुट्टा खाने से टेंशन कम कैसे होगा? भुट्टा आप दोनों का फेवरेट है ना? तो आप भुट्टा खाएंगे तो आपका टेंशन कम हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। लेकिन बावरी बेटा, नट्टू काका, हम भुट्टा खाते हुए कल क्या करना है वो सोचेंगे। ये लीजिए बागेश्वर जी, आपका फेवरेट भुट्टा खाइए और टेंशन दूर भगा दीजिए। लेकिन बावरी जी, ऐसे कैसे टेंशन दूर भगा दूं? भागा, मेरे दिमाग में एक विचार आया। क्या? यही कि कल हम सुबह सेठ जी को बोल देंगे कि अगर आप नया मैनेजर रखोगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। हम नौकरी छोड़ देंगे। क्या? नौकरी छोड़ देंगे। 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 क्या? नट्टू काका, हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ देंगे? भागा, अगर तू चाहे तो तू जुड़ा रह सकता है, मैं नहीं। अब इस उम्र में मैं नया आदमी का ऑर्डर नहीं ले सकता। नहीं 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 नट्टू काका, जहाँ चाचा वहीं भतीजा, आप एकदम बराबर बोल रहे हो। हमारे होते हुए दुकान में कोई नया मैनेजर नहीं आ सकता है। सालों से हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते आए हैं और आगे भी हम ही करेंगे। बराबर है नट्टू काका, लेकिन आप नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? बावरी जी, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा। मुझे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब रिपेयर करना आता है। मैं एक छोटी सी रिपेयरिंग शॉप खोल लूंगा और मैं गांव जाके खेती करूंगा और मंदिर में जाके भजन करूंगा, आराम की जिंदगी जीऊंगा। अरे नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बावरी जी, जरूरत है। अगर कल सेठ जी दुकान में मैनेजर लाएंगे तो हम नौकरी छोड़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे। चले बाबूजी। हाँ चल। कहाँ? कहाँ तू ले गए? अभी तूने बोला ना चलिए बापूजी। नहीं मतलब चलिए बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ ऐसे। हाँ तो खाली दुकान जा रहा हूँ, इतना बोलना भाई? रोज चलिए बापूजी क्यों बोलते? सॉरी, चलिए मैं दुकान जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादाजी। पापा मैं आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजूंगा, आप प्लीज उस पर पेमेंट कर देना। बेटा सुबह सुबह पापा से आशीर्वाद मांगने चाहिए, पैसे नहीं। आपके आशीर्वाद तो मेरे साथ हमेशा होते हैं। पैसों की जरूरत थी तो पैसे मांग लिए। अजो क्या जो, तू इतना भी नहीं समझ रहा है, वो मस्ती कर रहा है। हाँ पापा मैं मस्ती कर रहा था, लेकिन पापा बिना भूले पेमेंट कर देना। अरे बेटा पेमेंट किस चीज का है वो तो बता। बस बोल दिया पेमेंट कर देना। पैसे पेड़ पर नहीं उगते बेटा, कमाने पड़ते हैं, समझा? दादाजी भाई बापू जी को इसमें बीच में मत डाल। अरे जेठिया बापू जी प्लीज, आप भी इसकी साइड मत लीजिए, अभी ये बच्चा नहीं रहा। अरे मैं भी वही बोल रहा हूँ कि वो अभी बच्चा नहीं रहा, उसके पास कारण होगा ही। और नहीं तो क्या, पापा मुझे एक ऑनलाइन कोर्स करना है, हाउ टू डू मार्केटिंग विद AI। मार्केटिंग का कोर्स करना है?
अब तू तो मार्टेकिंग की तो डिग्री लेके आया है ना, वो सब क्या हुआ, उड़ गया इधर से? अरे पापा वो मार्केटिंग की पढ़ाई थी, ये मार्केटिंग विद एआई है। क्या आई? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कौन है? देखिए पापा, जैसे मोबाइल और कंप्यूटर के आने से दुनिया बदल गई, वैसे ही एआई के आने से भी दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी है? हाँ हाँ, ऐसा ही समझिए। तो मार्केटिंग विद एआई को सीखने के लिए मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूँ। और आपको पता है पापा, इस ऑनलाइन कोर्स में दुनिया के बड़े बड़े टीचर्स आने वाले हैं। देखा? पापा बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। मैं ये जो कोर्स कर रहा हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। पापा प्लीज पेमेंट। हाँ हाँ, कर दूंगा, ठीक है। बाबू जी चल, आशीर्वाद दीजिए, कोई अच्छा सा मैनेजर मिल जाए। मैनेजर? हाँ, तेरा पापा दुकान में मैनेजर रखने वाला है। पापा आपको मैनेजर रखने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, मैं आ जाता हूँ दुकान। बेटा ऐसे डायरेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते, तुझे रोज दुकान आना पड़ेगा, पूरा धंधा समझना पड़ेगा, दुकान का काम कैसे होता है वो सीखना पड़ेगा, उसके बाद मैनेजर बन सकता है तू। हाँ तो धीरे धीरे सीख जाऊंगा ना मैं। बेटा अभी तुझे सीखने का टाइम नहीं है, वैसे ही दुकान में बहुत काम है, मुझे अभी कोई अनुभवी मैनेजर की जरूरत है। पापा मैं क्विक लर्नर हूँ, आपको मुझे सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको देख देख कर ही सीख जाऊंगा। वाह, काम करने की तेरी उत्कंठा देख के मुझे अच्छा लगा। बस तो फिर मुझे एक बार आने दीजिए ना, मैं मार्केटिंग में चैंपियन हूँ। बेटा धंधा सिर्फ मार्टेकिंग से नहीं चलता है, और भी कई सारी चीजें, जैसे माल की डिलीवरी बराबर हुई कि नहीं, कस्टमर हमारी दुकान से जो प्रोडक्ट लेके गया है वो प्रोडक्ट से वो खुश है कि नहीं, और सबसे जरूरी बात, जो माल हमने बेचा है उसका पेमेंट टाइम पे आना चाहिए। क्या कई व्यापारी लोग माल तो ले जाता है लेकिन पेमेंट टाइम पे देते नहीं है, तो पेमेंट उनसे निकलवाना पड़ता है। उसमें क्या है पापा, पेमेंट के लिए सिर्फ फोन ही तो करना होता है। बेटा पेमेंट निकलवाना बच्चों का खेल नहीं है, बिजनेस में सबसे मुश्किल काम यही होता है। टप्पू हर मुश्किल काम को आसान कर सकता है, आपको टप्पू का स्टाइल पता नहीं है। बेटा ये सोसाइटी कंपाउंड में नवरात्रि और गणपति का पंडाल लगाने जितना आसान नहीं है, बिजनेस एक अलग ही गेम है। लेकिन पापा। बेटा बस चलिए बाप, सॉरी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी मैं सामने से बोल रहा हूँ पापा को कि मुझे दुकान आना है, लेकिन वो मना कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्योंकि जेठिया सही कह रहा है, अरे खुद की दुकान है तो क्या सीधा मैनेजर बन जाएगा? अरे बेटा तुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, समझा? ओके। भगवान करे जल्दी से कोई अच्छा सा मैनेजर मिल जाए। बबीता जी कोई मैनेजर बनाकर रख लो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, होशियार है, देखावड़े है, पढ़े लिखे हैं, और इंग्लिश तो उनकी अंग्रेजों का शर्मा हुए ऐसी है, यार भाई नहीं मानेंगे। कोई नहीं मिला तो एक बार पूछूंगा तो सही। ओ जेठालाल, हाँ यहाँ पे घड़े घड़े क्या सोच रहे हो? मैं बताता हूँ, मौसम अच्छा है तो आज दुकान नहीं जाता हूँ, मस्त पैकी गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा मंगाता हूँ, वो खाता हूँ, फिर मस्त पैकी मसाले वाली चाय पी के घर पे सो जाता हूँ, यही सोच रहे थे ना? अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो सोच रहा था कि आज रिक्शा मिलेगी कि नहीं, इतने में भगवान ने तुझे भेज दिया। चल चल मुझे दुकान छोड़ दे। जेठालाल मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन इधर ही, क्योंकि मैं तुम्हारी दुकान की तरफ नहीं जा रहा हूँ। भले ना जा रहा हो, आज जा भाई, थोड़ा पुण्य का काम कर, मुझे वहां तक छोड़ दे। तेरा वहां तक का जितना पेट्रोल जलेगा उतना पैसा मैं दे दूंगा तुझे। कमल है जेठालाल, तुम्हारे पैसे देने से मुझे पुण्य कैसे मिलेगा? हाँ ठीक है, तो पैसा नहीं दूंगा। हाँ चल जेठालाल, मुझे बहुत सारे काम करने भाई, आज मुझे आचरण बड़ की डिलीवरी करनी है, सोसाइटी के बिल्स भरने हैं, बहुत सारे सामान की खरीदी करनी है, और समय पे आके ट्यूशन भी लेना है। चलो मिलते हैं। बबीता
जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। कहाँ दुकान जा रहे? हाँ। आइए तो मैं आपको छोड़ दूँ। कहाँ दुकान? हाँ। एक्चुअली मैं उसी तरफ जा रही हूँ इसलिए। थैंक यू। आइए चलिए। भगवान भिड़े ने मुझे ना बोला तो मुझे बुरा लगा, लेकिन आपका तो कुछ अलग ही प्लान था। थैंक यू। आराम से। हाय इंद्राणी, बोल बोल। এই তো বেরিয়ে গেছি, হাফ এন আওয়ারে পৌঁছে যাবো। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে পরে দেখা হবে। ওকে চল, বাই। আই সরি জেঠাজি, অ্যাকচুয়ালি মে জিস ফ্রেন্ড কে ঘর মে জানে ওয়ালি থি না, উনকে ঘর মে অচানক সে গেস্ট আ গে, তো হামারা বাহার জানা ক্যান্সেল হো গেয়া। नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए बबीता जी, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अरे आप क्यों सॉरी बोलेंगे? मेरा नसीब की वजह से, मेरा नसीब इतना मस्ती खो रहा है ना कि कोई मेरी मदद करना चाहता है उसी वक्त वो बीच में आकर टांग अड़ाता है, इसलिए आपका कोई कसूर नहीं है, मेरा नसीब ही मस्ती खो रहा है। फिर भी सॉरी जी। नहीं, अरे सॉरी मत बोलिए बबीता जी, प्लीज। ओके ओके यार, सच में भगवान आपका प्लान अलग ही होता है, कोई समझ ही नहीं पाता है। अब रिक्शा मिलेगी या चल के जाना पड़ेगा दुकान? नटू काका, मुझे लगता है सेठ जी आज के आज ही कोई नया मैनेजर ढूंढ लेंगे। अब हमें हमारी इस कर्मभूमि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। हाँ नटू काका, लेकिन नया मैनेजर आने के बाद हम यहाँ से रिजाइन करेंगे। बराबर है बागा, नया मैनेजर आने के बाद हम नौकरी छोड़ेंगे, बीच में सेठ जी को परेशान नहीं करेंगे। बराबर है नटू काका, मैं जाके धनराज सेठ के यहाँ से पेमेंट लेके आता हूँ, हो सकता है पेमेंट मिलने के बाद सेठ जी अपना विचार बदल दे। हाँ हाँ बागा, जल्दी जा। Best of luck. Thank you, Nattu Kaka.